अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज बिलाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्राम। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5x tan x = 1 को रेगुलर फालसी के अंदर करेंगे। तो जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में करते रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को रीअरेंज किया, x tan x -1। ये -1 कैसे हो गया, क्योंकि ये फोर्थ इक्वल टू दूसरी तरफ का, दूसरा पाएगा तो उसका साइन चेंज हो गया। फिर मैंने लेट x = 0 किया, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो -1 में आ गई। फिर जब मैंने उसको 1 किया, तो 1 करने से मेरे पास जो पॉजिटिव में आ गया, यानी कि अब हमको पता चल चुका है कि हमारा जो रूट जो है हमारा वो लाई कर रहा है बिटवीन 0 एंड 1, 1 और 0 के दरमियान पे लाई कर रहा है। यानी कि अगर एक लाइन है हमारे पास 0 पॉजिटिव 1 0 पॉजिटिव 1, और यहाँ पर हमारे पास जो +2, फिर यहाँ पर हमारे पास -1 और -2, हमारे पास जो है 0 है, तो यानी कि 0 पे हमारे पास नेगेटिव है और हमारे पास 1 पे जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि 0 और 1 के दरमियान कोई ऐसा नंबर होगा जो इसको या तो 0 कर देगा या 0 के करीब भी आएगा। अब हम लोग ने यहाँ पर जो है फर्स्ट आइटरेशन करते हैं, फार्मूला वही सेम है जिसका हम लोग ने प्रीवियस में करते रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट हमारे पास 0 है, क्योंकि 0 पे हमारे पास फंक्शन जो है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद f(x0) क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास -1। फिर हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास है 1, यानी कि f(x)1 हो जाएगा हमारे पास 0.557। ये हम लोग हर लेक्चर में करते आए हैं रेगुलर फालसी के अंदर। प्रीवियस आप वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। हम लोग अब फार्मूला लिखते हैं। फर्स्ट आइटरेशन x1 = फार्मूला हम लोग हमारा क्या होता था, x0 y होता था, f(x) होता था, नेगेटिव एक्स को छोड़कर फंक्शन ऑफ f(x0) का, उसके बाद f(x) वाली वैल्यू नीचे, नेगेटिव f(x0) वाली वैल्यू नीचे। फिर हम लोग जो है इसकी वैल्यू जो है उसको पुट कर देते हैं फार्मूला, यानी कि पहले y लिखेंगे नॉट वाली वैल्यू, फिर जो पॉजिटिव होगा उसका फंक्शन। अब हमारे पास x0 क्या है, 0, याद रखना x0 की वैल्यू 0 है, -1 ये -1 इसके फंक्शन की वैल्यू है। फिर हमारे पास f(x) क्या है, f(x) हमारे पास है 0.557 नेगेटिव। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास जो है 1 है, उसके बाद f(x0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। फिर हमारे पास जो है x0 की वैल्यू हमारे पास जो है, हमारे पास f(x) फंक्शन की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, 0.55। सेम ऐसे वही मेथड जो हम लोग प्रीवियस अपने लेक्चर्स के अंदर करते आए हैं। अब ये माइनस है और ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जब 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा। हमारे कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होगा इस तरह का, उसको आप लोग जो है प्रेस करेंगे, जब इस तरह उसको जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो है इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। अब हम लोग को पता है जब 0 किसी का मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है, फिर उसके बाद ये नेगेटिव और नेगेटिव आपस में प्लस हो जाएंगे, 1 1 जो मल्टीप्लाई तो 1 रह जाएंगे। हम लोग इसी के यहाँ पर लिखेंगे 1 / 0.557 + 1। हमारे पास इसका आंसर जो आएगा फर्स्ट आइटरेशन का x1 का, वो होगा हमारे पास 0.642। अब ये आ गया। अब हम लोग ने इसको इसको जो है x1 को मेन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, हम लोग हमारे पास वो बन जाएगा 0.642 = 0.642 tan 0.642 और -1। इस मेन फंक्शन के द्वारा हम लोग इसको पुट करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं 0.642, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टेन 0.642, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर -1। तो हमारे पास अब की बार जो x1 की वैल्यू है वो आई है 0.52 something 00। अब हमारे पास जो है ये होगी फर्स्ट आइटरेशन। अब सेकंड आइटरेशन का फार्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव में आंसर है। हमारे पास अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा x2 = क्योंकि नेगेटिव में आ गया ना, नेगेटिव वाला बाई हो जाएगा, सिंपल, बाकी सेम चीज ऐसी रहेगी क्योंकि लास्ट में हमारे पास पॉजिटिव आया था एक्स पे, एक्स क्या हमारे पास 1, तो हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, f(x)1 का फंक्शन आ जाएगा, फिर हमारे पास f(x) आ जाएगा
और फिर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स वन, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। फिर उस आंसर को दोबारा हम लोगों ने मेन फंक्शन में पुट करना है, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या आता है। अगर नेगेटिव में आंसर आ जाए तो फिर एक्स टू जो यहाँ पर लिखा जाएगा, अगर पॉजिटिव में आ जाए तो फिर हमारे पास जो है एक्स टू यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इस फार्मूले को जो है रीअरेंज कर सकते हैं इजिली, आसान से हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इंशाल्लाह हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम हमारे पास होगा सीकेंट मेथड। हम लोग नेक्स्ट जो है सीकेंट मेथड में भी ये कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। सबका सेम मेथड होता है, आप लोग ने जस्ट एक तरीके को समझना है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह के क्वेश्चन हो, यही इस तरह के रूल से फॉलो करने हैं और क्वेश्चन सोल्व करना है। तो उम्मीद कर तो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। तो अपना क्या लिखा जो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज।